हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जस्ट खेल के आया हूँ बाहर से, मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे कि लास्ट ब्लॉग में वो इतना कुछ तुमने ब्लॉग तो किया ही नहीं है, खाली दिखा रहा है। लेकिन मुझे पता है कि वो मैंने जानबूझ के डाला है कि वो वीडियो में मैं खाली खेलने वाले वीडियोज़ डालूँ, और ये वाले वीडियो में मैं सब आपसे बातें करूँ अच्छे से। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो मैं जैसे ही घर पे आया था तो मेरे मॉम ने मुझे बोला कि तेरे लिए एक पार्सल आया है। मैंने जैसे ही देखा कि वो था कि मेरा माइक निकला जो मैंने ऑर्डर किया था अमेज़न से, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो माइक। और मैं इतने दिनों तक ऐसे ब्लॉग क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे ना घर पे रह के इतना कुछ कॉन्टेंट सूझता नहीं है। अगर कुछ कॉन्टेंट सूझता हो, अगर मैं कुछ वीडियो बना सकता हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ सजेस्ट मी, कॉमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। तो चलो अभी माइक दिखाता हूँ मैं आपको और अनबॉक्सिंग करता हूँ उसकी। चलो, ये रहा माइक बोया का BY-MM1+। ये बोलते हैं ब्लॉगर्स के लिए कुछ अच्छा माइक है। तो चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं और कंपैरिजन भी करेंगे, और मोबाइल का माइक और ये माइक के में क्या डिफरेंस है और कितना कितना वो सब आता है। तो लेट्स सी। सो ये रहा बोया का BY-MM1+ माइक, और ये इसको शॉटगन माइक बोलते हैं, और ये ब्लॉगर्स के लिए बहुत काम में आता है, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन होता है उसी तरफ से वो ऑडियो कैप्चर करता है उसका। अगर उसके पीछे से कोई अगर उसको बोल रहा है वो इतना कुछ कैप्चर करने नहीं कर सकता वो, और आजू बाजू में से भी कोई अगर कुछ बोल रहा है वो तो इतना कुछ कैप्चर नहीं कर सकता। कि ब्लॉगर्स ऐसे कैमरा रखते हैं, उसको ऐसे ही सामने सामने से बोलते तो उसको उसका ही ऑडियो कैप्चर करता है वो, इसलिए इसको शॉटगन माइक बोलते हैं। तो इसको मैंने बहुत लोगों के पास देखा है, क्योंकि वो लोग सब जो नए नए ब्लॉगर्स चालू करते हैं वो लोग सब लोग यही माइक से चालू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत चीप है। जो रोड के माइक्स आते हैं उससे तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत ही चीप है। और ये है माइक कुछ, इसके ऊपर ये डेड कैट लगा है, तो मैं इसको आपको निकाल के बता देता हूँ एक बार। ये कुछ ऐसा माइक है, यहाँ पे ये रहा माइक, पूरा स्टील का बना हुआ है। यहाँ पे इसके दो पोर्ट्स है, एक है हेडफोन के लिए और एक इसके लाइन आउट के लिए पोर्ट है। ये इसका एक केबल है जो एक माइक में लगेगा, और एक ये पोर्ट अपने स्मार्टफोन में लगेगा। ये स्मार्टफोन और ये और कैमरा और सब चीज़ में कंपैटिबल है ये माइक। और ये दूसरा केबल है जो एक माइक में लगेगा और एक कैमरा में लगेगा, जो कैमरा के साथ भी कंपैटिबल है ये। और ये इसका एक माउंट है जिसपे ये माइक ऐसा लगेगा और इसके ऊपर ऐसा ये लग जाएगा, तो इसको माउंट है ट्राईपॉड में लगाना पड़ेगा। और एक अच्छा सा एक कैरिंग केस भी दिया है कंपनी ने, तो अच्छी तो पैकिंग है वैसे। तो वैसे तो मैंने अपने ट्राईपॉड में ऊपर जो होल्डर रहता है उसके लिए जगह नहीं है, तो मैंने एक अलग से मंगवाया था, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा कहीं पे। तो आप वो उसको देख के आपको समझ में आएगा। तो उस पर ऊपर ये लगेगा, तो उसके ऊपर से ये माइक लग जाएगा। तो फिर मैं आपको एक बार माइक लगा के ही दिखाता हूँ एक बार। सो ये है इसका डेड कैट, और ये लगेगा इसके माउस में, क्योंकि जो सराउंडिंग की जो नॉइस है वो इतनी कैप्चर नहीं करने देता है ये माइक को। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कंपनी प्रोवाइड करती है साथ में माइक से। ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज प्रोवाइड करती होगी ऑलमोस्ट सारे माइक्स के लिए, तो क्योंकि इससे बहुत आवाज़ कम हो जाती है सराउंडिंग की। तो ये वाला जो है ये पार्ट, ये जो माउंट है यहाँ पे लग जाएगा ऐसे, तो कुछ ऐसा लग जाएगा। और ये लगेगा ट्राईपॉड के ऊपर, जो उसका हॉट शू जो होल्डर आता है उस पर ये लग जाएगा माउंट। और फिर ये जो केबल है, ये जो स्मार्टफोन वाला है वो स्मार्टफोन में लग जाएगा, और ये जो माइक वाला है वो यहाँ पे जो लाइन आउट करके जो पोर्ट दिया है, लाइन आउट करके जो पोर्ट दिया है उसमें लग जाएगा। सो दैट्स इट, आपका माइक रेडी है यूज करने के लिए। तो मैं आपको अभी माइक लगा के दिखाता हूँ कि आपको वॉइस क्वालिटी कैसी आ रही है, और दोनों का कंपैरिजन करेंगे मोबाइल की उसमें मोबाइल के माइक से और ये बोया के माइक से। सो ये रहा मेरा मोबाइल होल्डर, और इस पर मैंने एक हॉट शू माउंट ये लगा के रखा है, जिससे ये जो माइक का ये है ना,
ये इस पे लग जाएगा, इसको हम लोग को लगाना होता है ऐसे, तो फिर अपना ये माइक माइक ऐसे ही रहेगा, फिर एक जगह से हिलेगा भी नहीं, फिर इसको ऐसे टाइट कर देना होता है घुमा के, तो योर माइक इज़ ऑल सेट टू यूज़। तो कुछ ऐसा कुछ सेटअप लगेगा जिससे कि ये मैंने ना ये हॉट शू माउंट में अपना ये माइक लगा दिया है, और इसके पीछे मैंने ये पोर्ट लगा दूंगा यहाँ पे जो केबल आया है, और एज यू नो कि आईफोन में ऑक्स पोर्ट नहीं आता, तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, लाइटनिंग टू ऑक्स ऑक्स पोर्ट। तो इसमें ये जो स्मार्टफोन वाला जो कनेक्टर है वो इसमें लग जाएगा, और ये वाला जो कनेक्टर है वो आईफोन में लग जाएगा, और ये वाला माइक में। या सो गाइस, मैंने माइक लगा दिया है अपने मोबाइल से और ट्राईपॉड पे लगा दिया है, तो आप भी मुझे बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि पहले पहले के मैंने जो भी वीडियो शूट किए उसमें थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड की नॉइज़ आती थी, जिससे आपको अच्छा इतना भी नहीं लगता था, और अभी जो भी मैंने माइक लगा दिया है इसकी वजह से आपको इतनी बैकग्राउंड की नॉइज़ नहीं आएगी, जो आपको इसलिए आपको देखने में मज़ा आएगा, तो मुझे बताना। और अभी मैं मोबाइल का माइक टेस्ट करके बताता हूँ आपको। या सो गाइज, ये है मोबाइल का माइक, और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा रूम मैंने अभी पैक करके रखा है, विंडोज सब बंद है, और क्योंकि थोड़ा बहुत माइनर सा बैकग्राउंड में नॉइज़ आएगा, तो भी एक बार है ना हम लोग बाहर जाके टेस्ट करेंगे कि मेरा घर है ना मेन रोड पे, ये तो आपको मतलब वहाँ पे गाड़ियाँ चलती ही रहती है, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कंपैरिजन भी हो सकता है कि माइक और विदाउट माइक कैसी आवाज़ आ रही है। या सो गाइस, मैंने अभी मोबाइल मोबाइल की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मैंने माइक नहीं लगाया, तो एज़ यू कैन सी कि बैकग्राउंड में से कितनी सारी नॉइज़ आ रही है, जिससे आपको बहुत परेशानी होती है, मतलब आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती है, पूरी बैकग्राउंड की नॉइज़ आती है। तो अभी मैं भी आपको माइक लगा के टेस्ट करा के दिखाता हूँ। गाइस, मैंने अभी माइक लगा दिया है, और इससे आपको पता चल गया होगा कि बैकग्राउंड नॉइज़ में कितना सारा फ़र्क आ रहा है, उसमें थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा सुनाई दे रहा है, उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो आपको भी इसको मतलब आपको भी इरिटेशन थोड़ा बहुत कम होएगा, जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो या गाइस, इस साल के 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम सारे बोर्ड्स के कैंसिल हो चुके हैं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब लोग प्रमोट हो चुके हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस खुशी में क्योंकि मेरे बोर्ड्स कैंसिल हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वापस से फुल फ्लेज में ब्लॉगिंग वापस से स्टार्ट कर दूँ। हाँ, लेकिन मुझे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, घर पे बैठे बैठे मैं कर भी क्या सकता हूँ, कुछ इतना कुछ कंटेंट नहीं रहेगा, आप सब लोग भी देख देख के बोर हो जाओगे, तो आप सब लोग मुझे कुछ रिकमेंड करना कमेंट सेक्शन में नीचे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग वापस ट्राई करी है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत फंबल तो कर रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगी वो तो। और आप बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में, ये माइक कैसा लगा, इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसे लगी। तब तक के लिए बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन और लाइक द वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।